नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सभी का रीजनिंग की इस दुनिया में श्री राम टेक्निकल के साथ। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट थर्ड लेके, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे। जल्दी से फटाफट सभी दोस्तों को बोल दो ज्वाइन हो जाए। आप सभी दोस्तों को मैसेज डाल दो, फटाफट शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्त ऑनलाइन आ जाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ आज। और हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से। एक निश्चित कूट भाषा में सिंबोलिक को सीपीटी जेड एन एम जे डी और सिंपैथी को क्यू बी टी जेड एन जे एन यू आई जेड लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सर्वाइवल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 9 सितंबर 2022 को पूछा गया है, यानी लेटेस्ट 2022 को पूछा गया है बेटा, और 22 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है देखना सामने। कि सिंबॉलिक को सीपीटी जेड एन एम जे डी, देखो जैसा कि हम यहाँ पे बात करें तो फिक्स कोडिंग है नहीं है, और फिक्स कोडिंग है नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे हम वही काम करेंगे नंबरिंग डालने वाला। सर सिंबॉलिक को यहां पे सीपीटी जेड एन एम जे डी, और जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबरिंग डालते हैं। राधे राधे बेटा, जल्दी से फटाफट दोस्तों को बोलो आने के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। 19, 25, 13, 2, 15, 12, 9 और 3 यहां हमने नंबरिंग की। मैंने कहा 3, 16, 20, 26, 14, 13, 10 और 4। अब जैसा कि गुड मॉर्निंग बेटा गुरु, क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले बेटा। यहां पे हमने देखा 19 का 3 से कोई रिलेशन हो नहीं सकता, क्योंकि 25 का 16 से बहुत बड़ा रिलेशन हो जाएगा। पीछे से देखा तो पीछे से भी कोई रिलेशन प्रॉपर नहीं है। जब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बेटा कि जब प्रॉपर आगे से सिक्वेंस ना मिले, पीछे से सिक्वेंस ना मिले, तो हम एक काम करते हैं बीच में से, यानी क्रॉस कोडिंग में जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा? क्रॉस कोडिंग में। और क्रॉस कोडिंग में अगर आप ढंग से जाओ तो आप यहां पे देखो, ये 2 और 15 है, इसका 3 और 16 आया ना, 19, 25 और 13 का 20, 26 और 14, 12, 9 और 3 का 13, 10 और 4, यानी प्लस एक किया है, लेकिन किसमें किया है? क्रॉस कोडिंग में किया है। तो हम भी इसको क्रॉस कोडिंग में करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं सामने सभी लोग इस तरह से। एक बार दोबारा लिखते हैं हम इसको। दोबारा लिखते हैं इसको क्वेश्चन। मैंने कहा कि सिंबॉलिक, और सिंबॉलिक को मैंने लिखा सीपीटी जेड एन एम जे और डी। देखिए बेटा, यहां पे अगर मैं आपसे बातें करूं तो देखो, बी का सी से किया है, ओ का पी से किया है, इस तरह से एस का टी, वाई का जेड, एम का एन, एल का एम, आई का जे और सी का डी। प्लस वन है या नहीं है बोलो, हाँ है ना। सेम पैटर्न अपनाओ बेटा, चार चार में नहीं बटेगा बेटा, चार चार में नहीं बटेगा। ढंग से देखो, नहीं बटेगा चार चार में बेटा। यहां पे सिंपैथी को यहां पे वही 3 को छोड़ के पहले 2 का पी क्यू ए बी, फिर 3 का और फिर 3 का, क्लियर। तो उसी कूट भाषा में पहले 3 को छोड़ के बी आई का प्लस 1, वी का डब्ल्यू, आई का जे, वी का डब्ल्यू, आई का जे, तो डब्ल्यू और जे, फिर प्लस 1, एस का टी, यू का वी, आर का एस, तो डब्ल्यू जे टी वी एस दोनों में, तीनों में मिल रहा है, फिर वी का डब्ल्यू, ए का बी, एल का एम, यानी आपका आंसर सी। ये बिल्कुल सही बात है बेटा, सी आंसर आएगा। गुड इवनिंग जितेंद्र बेटा, गुड इवनिंग। क्वेश्चन करेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, एकेडमी को एफ एस जे एच डी ई वी लिखा जाता है। चेक करो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को, चेक करो, ए सी ए डी ई एम बाई,
मैंने कहा एफ एफ एस जे एच डी ई वी, चेक करेंगे फटाफट जल्दी से क्या किया गया है, नंबरिंग करो फटाफट, 1 3 1 4 अटेम्प्ट का पूछा है, ए डबल टी एम पी टी, 5 13 25, यहां पे 6 19 10 8 4 5 और 2, चेक करो, देखिए ये ऐसे ही आया, 1 का 2 सॉरी प्लस 1 3 का 5 प्लस 2 1 का 4 प्लस 3 4 का 8 प्लस 4, ये प्लस 5 ये प्लस 6 और ये प्लस 7, यानी 1 2 3 4 5, कालूराम मीना सी आंसर, चेक करो बेटा पीछे से, या तो आप अगर ऐसे जाओ तो ऐसे चले जा सकते हो कि 7 है ये 5, ठीक है, और 1 2 3 4 नीचे से देख लिया था हमने, हम भी कर दें, अटेम्प्ट का पूछा है पीछे से कितना 7, तो एक बार बताइए 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब ए, ठीक है, तो यहां पे 7 जोड़ा, यहां पे कितना 6, 16 6 22 बी, यहां पे 5 13 5 18 आर, यहां पे 4 5 4 9, यहां पे 3 23 2 22 और 1 बी, वेरी गुड, सी आंसर आएगा बिल्कुल सही बेटा, बुद्धाराम सी, राधे राधे बेटा, सोनू सी, पिंटू मीना सी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एश्योर्ड को टी टी वी यू ई एफ एस और बेनिफिट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैबिनेट को क्या लिखा जाएगा, चेक करो फटाफट एश्योर्ड को, वेरी गुड मुकेश, अगला क्वेश्चन करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, EFS दिख रहा है ना बेटा, क्या दिख रहा है कि सर यहां पे क्रॉस कोडिंग कर लें क्या, वही सेम टू सेम टी टी पी यू ई एफ एस, बहुत अच्छी कोडिंग है ये भी बेटा, एस का टी ए का बी यू का यू आर का एस ई का एफ और डी का ई, ये प्लस वन, ये एजिटेज, ये प्लस वन प्लस वन और प्लस वन आया ना, तो हम क्या करें अब हम एक काम करते हैं, यहां भी ऐसा ही काम कर लेते हैं कैबिनेट में, क्रॉस में 3 3 का पेयर बना दिया ना, बी का टी प्लस वन कर दिया, आई का आई, टी का यू, ई का एफ, एन का ओ, टी बी डी आई यू ई ओ, ईओ के एफ ओ और एफ आई बेटा यहां पे, यू एफ ओ थोड़ा सा एफ ई बन गया, डी आंसर, क्लियर, वेरी गुड बुद्धाराम, वेरी गुड कालूराम, सोनू डी आंसर बिल्कुल सही है बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में सुप्रियर को एस एन एच एस डी क्यू टी टी और स्टनिंग को यह लिखा जाता है, तो कूट भाषा स्ट्रेटेजी को क्या लिखा जाएगा, एक ही पैटर्न चल रहा है अभी, तो चेक करो फटाफट जल्दी इसको भी, क्यू टी टी चेक करो क्या करेंगे, देखिए आर का एस, ओ का एन माइनस एक, सर आई का एच माइनस एक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर का एस, ई का डी, ई का क्यू, यू का टी माइनस वन और एस का टी, क्या किया चेक करके देखो,
पहले प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन, सर ऐसे कैसे किया है? इसमें बेटा एक छोटा सा पैटर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2022 को पूछा गया है, नोट कर लेना, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया गया है बेटा, एक पैटर्न अपनाया है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, किसका? वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। इसमें क्या किया गया है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें पीछे से प्लस वन किया है और जो वॉवेल है उसमें माइनस वन किया गया है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा नोट कर लेना पैटर्न को कि सर वॉवेल में क्या किया गया है माइनस वन और कॉन्सोनेंट में प्लस वन। तो स्ट्रेटेजी में पहले ये क्या करोगे, प्लस वन करोगे, क्या कॉन्सोनेंट है ना, तो वाई का क्या जेड, जी का एच, ई माइनस वन डी, टी प्लस वन यू, ए माइनस वन जेड और आर प्लस वन, आर का एस, टी का यू और एस का टी, ये आपका आंसर बन जाएगा डी एच सॉरी जेड एच डी जेड एच डी जेड एच डी यू जेड एस यू टी, यानी डी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, डी आंसर, वेरी गुड बेटा, डी आंसर। कालू राम, बुद्धा राम, सोनू, बिल्कुल सही है बेटा। मैं चाहूंगा सभी लोग आंसर दें बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर दें, आप आंसर दोगे जल्दी होगा बेटा। पैटर्न को नोट जरूर कर लेना, पैटर्न अच्छा है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 30 अगस्त 2022 को, अगर ग्रुप डी में पूछा गया है तो एएलपी में बहुत देर नहीं है बेटा, कभी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विक्स को VCKIR और होटल को EHLOT, तो स्पोर्ट्स को क्या लिखेंगे? तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि कौन सी कोडिंग है, नंबर एक्सचेंज कोडिंग है, हाँ या ना? और नंबर एक्सचेंज कोडिंग में आप जानते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखिए। पर यहाँ पे देखो बेटा कोई पैटर्न नहीं है, बी सी लिया, फिर आई लिया, फिर के लिया, फिर आर लिया, ढंग से देखो तो पैटर्न भी है यहाँ पे। पैटर्न क्या है सर? पैटर्न ये है कि सर 2, 3, 9, 11 और 18, देखो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, आप चेक करो यहां भी होटल में भी, देखो 5, 8, 12, 15 और 20 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नटवर सिंह मीना, डी आंसर। देखते हैं बेटा, चेक करते हैं स्पोर्ट में सबसे पहले क्या आएगा, ओ का पी, ओ पी के बाद आर एस टी, 15, 16, 18, 19, 20 ओ पी आर एस टी, बेटा सी आंसर आएगा बेटा, सी। चेक करो, बहुत अच्छा पैटर्न है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। किसमें? नंबर कोडिंग में, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया गया है, अल्फाबेट का पैटर्न फॉलो किया गया है, और अल्फाबेट के पैटर्न में यहाँ पे बेटा सी आंसर आएगा। नहीं बेटा पिंटू, पिंटू मीना, सी आंसर आएगा बेटा, चेक करो दोबारा। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड बुद्धा राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में पावर को आर आर ए जे एक्स लिखा जाता है, हेलो को जे एच पी क्यू यू लिखा जाता है, तो नेवर को किस प्रकार लिखेंगे? तो आपके पास तो एक ही चीज है, नंबरिंग, हाँ या ना? ठीक है, मैंने कहा पावर आर आर ए जे एक्स, चेक करो क्या किया बेटा इसमें, जल्दी से फटाफट नंबरिंग करें क्या, 16, 15, 23, 5 और 18 यहां पे 18, 18, 1, 10 और 24 बेटा नंबरिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ध्यान रखना, +2, +3, +4 23 और 4 27 होता है, 27 का मतलब 1, +5 और +6 बेटा 2, 3, 4, 5, 6 सुरेश मीना, फिर से आप चेक करो एक बार बेटा, वीडियो को पीछे लेके चेक कर लो, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 लिया गया है, ठीक है। तो नेवर में भी आप यही पैटर्न अपना दो, पहले कितना 2
टी तीन एच चार जुड़ेंगे यहाँ पे बेटा, पहले दो तीन चार पांच और छह, दो हमने जोड़ दिए, तीन जोड़ दिए, चार जोड़ेंगे, 22 और चार 26 का मतलब जेड, पांच पांच 10, 18 और छह 24, पी एच जेड जे एक्स, पी एच जेड जे एक्स, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड जितेंद्र मीना, वेरी गुड पिंटू, उद्दाराम कालूराम, बिल्कुल सही बेटा, ए आंसर आएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे जितेंद्र बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो बेटा, 7 में क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को डेस्क को तो हेल्प पूछा है, हेल्प पूछा है, हेल्प, बिल्कुल सही बेटा, नटवर रॉकेट की तरह उड़ेंगे अपन, अब लेफ्ट को वी जी एफ एन चेक करो, नंबरिंग से देख रहा है आप, देख रहे हैं ना, बाईस सात छ चौदह क्या किया है, प्लस दो प्लस एक, प्लस एक और प्लस दो, यानी कहने का मतलब आगे पीछे के लेटर में प्लस दो, बीच वाले में प्लस एक, चेक करो जल्दी से बेटा, चेक करो, हम भी कर दें, किसमें, हेल्प में, पहले यहां से 16 और 2 18, फिर प्लस 1, एल का एम, ई का एफ, ई का एफ और एच का क्या बेटा, जे, आर एम एफ जे, बिल्कुल सही, सी आंसर, वेरी गुड जितेंद्र बेटा, बिल्कुल सही बेटा, सी आंसर, बाकी के लोग भी जल्दी आंसर दें, बिल्कुल सही बुद्धाराम, सी आंसर, सोनू लेट हो गए आंसर देने में, थोड़ा जल्दी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, पिक्चर को 6 के रूप में, स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो टेलीविजन को कोड कितनी जल्दी करेंगे, जल्दी फास्ट, देखते हैं आप में से पहले कौन आंसर देता है, पिक्चर को 6, स्टूडियो को 5, टेलीविजन की बात हुई है, तीन तीन 6 और 7, 7 लेटर माइनस 1 करके 6, बुद्धाराम नो आंसर, चेक करते हैं बेटा, 3 और 3 6 माइनस 1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का 1 माइनस करके 9, बिल्कुल सही बेटा बुद्धाराम, बिल्कुल सही कालूराम, जितेंद्र तोरे सोनू, बिल्कुल सही बेटा, नौ आंसर, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार करो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कूट भाषा में मेल्ट को तो टिमिड को क्या इस तरह से लिखा जाएगा, मेल्ट एम ई एल टी, इस पैटर्न क्वेश्चन कल मैं करा चुका हूं, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, नटवर सिंह नहीं मालूम सर, बेटा मालूम करो, चेक करो, 13 5 12 20 माइनस 1 किया हमने इसमें से, 12 4 11 19 और यहां पे फिर हमने क्या किया, दहाई इकाई का अंक 2 4 1 और 9, ये देखो तो टिमिड, टिमिड की बात कर लेते हैं बेटा, माइनस 1 करेंगे 19, माइनस 1 करेंगे 8, 12, 8, 3, इकाई का अंक 9 8 2 8 3, ए आंसर, वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड बुद्धाराम, कालूराम, सोनूराम, वेरी गुड बेटा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सी बराबर 24, आई का मान 46, तो फॉक्स का मान कितना होगा,
ये आपको पता है सी का अपोजिट क्या होता है बेटा, एक्स नंबर 24, तो ई वाई ई आई, तो वी बी और वी 22 22, 44 और 2 46, बिल्कुल सही। एफ ओ एक्स, एफ का अपोजिट यू, ओ का एल और एक्स का टी, क्या करेंगे 21 12 और 3 24 और 12 कितना बेटा 36 आंसर, ए आंसर। वेरी गुड पिंटू, वेरी गुड सोनू, ए आंसर बिल्कुल सही बेटा, ए आंसर बुद्धाराम, ए आंसर कालू, ए आंसर बिल्कुल सही बेटा कालू राम भी। बेटा जल्दी जल्दी आंसर, बहुत स्पीड बेटा, वेरी गुड कालू राम, जल्दी स्पीड से आंसर दे रहे हो। 36 बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 8 ई आई जी एस टी, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 को 11, तो 6 को मैं लिख दो खत्म, आया ना। तो वो आरआरबी ग्रुप डी में 16 नवंबर 2018 को पूछा गया है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा। कहां तक लिखना है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, सी आंसर, सी आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा, सी आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी लोग। जे आई एन एक्स 5 8 6 2, बिल्कुल सही बेटा सुरेश, बिल्कुल सही। चेक करो फटाफट यहां पे यूनिक्स का कोड, यू भी ऊपर है, एन आई एक्स भी है, फिक्स कोडिंग लग रही है, चेक करो फटाफट यूनिक्स का कोड निकालना है। पहले ये चेक करो कि इनकी पोजीशन सेम है या नहीं है। सेम करने के लिए कहां पे जाओ, किसी पे एक पे चले जाओ फटाफट जो मिल रहा हो यहां पे। देखो यू यहां पे एक है और यू यहां पे एक है, यानी कहने का मतलब पोजीशन सेम है, और पोजीशन सेम है तो उठा दो कॉपी पेस्ट कर दो। यू का कोड कितना आया 1, एन आई एक्स, एन का कोड 6 8 2, 1 6 8 2, यानी सी आंसर। यहां पे क्या जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में कितना, सी। क्वेश्चन नंबर 12 में सी बिल्कुल सही जितेंद्र बेटा, बिल्कुल सही, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखो बेटा, 13 भी चेक करो, अभी करा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में 15 नवंबर में पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन बेटा, नवंबर के महीने में। देखो एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब पैटर्न एक जैसा आता है, पैटर्न हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई दोस्त पेपर दे के आ जाए तो एक बार पेपर जरूर चेक कर लेना कि उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। SEBEN 7 6 5 4 3 2 1, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 13, 13 से लेके 1 तक आ जाओ, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्वेश्चन आंसर नंबर ए बेटा, ए आंसर, चेक करो गलती मत करो बस। वेरी गुड बुद्धाराम, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे चलते हैं। ए बराबर दो, ओ बराबर 30, एक्स बराबर 48, एस ए डब्ल्यू का मान पूछा है बेटा। यहां पे चेक करेंगे, ए का मान 2, डबल कर दिया, ओ को डबल कर दिया, 15 होता है, एक्स 24 होता है, डबल कर दिया फिर से, एस ए डब्ल्यू डबल कर दो, 19 का 38, 1 का 2 और 23 का 46, 40 और 46 86, 86 आंसर। आंसर कौन सा बेटा, डी। वेरी गुड कालूराम, 86 बेटा, बहुत सही स्पीड, जल्दी से बाकी सभी लोग आंसर दो। नहीं बुद्धाराम, 82 नहीं 86 आएगा बेटा, ऑप्शन नहीं है 82, 86। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है के अंदर पूछा गया है 25 जनवरी 2019 को बेटा, और 25 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे
H O U S E को लिखा है इसने 10, 13, 23, 17 और 7। जैसा कि आपको पता है नंबरिंग कर सकते हैं क्या हम 8, 15, 21, 19 और 5 आया ना। क्या करें 8 का 7 करें क्या 8 का 10 करें? जल्दी से बताओ। देखिए बेटा प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 और ये प्लस 2। यहां पे बबल कॉन्सोनेंट में कोई सीन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। जी बिल्कुल सही कालो राम, प्लस 2 माइनस 2 बिल्कुल सही बेटा, प्लस 2 माइनस 2। तो प्लस 2 करेंगे यहां पे आर का 20, 20 इन दोनों में ही है, माइनस 2 5 का 3 ये रहा, ठीक है 8 का 10, 5 का 3, 1 का भी 3 और 18 का 16, फिर प्लस 2 21 और फिर माइनस 2 3, यानी आपका आंसर कौन सा सी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा बुद्धाराम, बिल्कुल सही सुरेश, सी आंसर, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रैक्टर का मान 14, ट्रॉली का मान भी 14, तो स्कूटर का मान, चलो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं जल्दी फटाफट, देखते हैं कौन पहले चलाता है ट्रैक्टर ट्रॉली, फास्ट थोड़ा सा। ट्रैक्टर 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का फिर से 14, बिल्कुल सही पिंटू, बिल्कुल सही कालू राम, वेरी गुड सुरेश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का फिर से बेटा 14, आंसर कौन सा बी, बिल्कुल सही मुकेश चौधरी, 14 आंसर। लेट आए हो, थोड़ा जल्दी करो क्वेश्चन को बेटा मुकेश। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, एग्जामिनेशन चेक करो, एग्जामिनेशन का ये है तो 4, 5, 6, 3, 5, 4 फिक्स कोडिंग करा चुके हैं पहले, जल्दी से एसआई का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई और कॉपी पेस्ट करना है क्या बेटा, 4, 5, 6, 3, 5, 4 देखो चेक कर लो, यहां पे डबल ये 4 है, यहां पे भी है ये 4, एन के लिए है, आई के लिए देखो यहां पे क्या गया है 3 है, तो फिक्स कोडिंग है, आपको कॉपी पेस्ट करना है उठा के, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं 4, 5, तो 4 के लिए क्या आया है, 4, 5 के लिए एन ओ, ठीक है, और 6 किसके लिए आया है यहां पे फोर्थ पोजीशन टी आई ओ एन नोशन, बिल्कुल सी आंसर, वेरी गुड बेटा सी, नटवर सिंह सी 3 बिल्कुल सही बेटा, कालू राम सी, मुकेश चौधरी सी, जितेंद्र सी, पिंटू सी, बिल्कुल सही बेटा सी आंसर, वेरी गुड, स्पीड बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, 1, 5, 7, 8, 9 को ई जे के पी टी लिखा जाता है, 2, 3, 4, 6 को ए एल यू आर लिखा जाता है, 2, 3, 5, 4, 9 सेम पैटर्न फिक्स कोडिंग फटाफट, 2, 3 मेरा 2, 3 ए एल को पकड़ो, 5 को पकड़ो मेरा 5 जी, 4, 9 को पकड़ो और 4 ये रहा यू और 9 का आपका क्या है बेटा टी ए एल जी यू टी और ए एल जी यू टी कहां है आपका ए में आंसर है, ए में आंसर बिल्कुल सही बेटा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, थोड़ा स्पीड बनाओ बेटा, क्वेश्चन को फास्ट करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कालू राम, थोड़ा लेट कर रहे हो, जल्दी करो बेटा जल्दी आंसर दो, बिल्कुल सही जितेंद्र बेटा ए आंसर।
PEN 755 लिखा है, 16, 5, 14 यूनिट प्लेस में देखो, 6 और 1, 7, 5, 4 और 1, 5 ये प्लस किया है बेटा, है ना। तो हम भी कर देते हैं FOG, ये 6, 15, 7, 6, 6, 7 डी आंसर, डी आंसर कालूराम डी, पिंटू डी, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या कह रहा है, RAT R18 A1 T 20 GOD 7 15 और 4 ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, नेचर को QYWSUC रीजन को, तो लोशन को क्या लिखेंगे, LOTION। बड़ा फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से फास्ट करेंगे। यहां पे देखो 14 और 3 17 27 में से माइनस दो, एक को 27 बोल दिया हमने, क्यों, अल्फाबेट रिपीट होती है ना। 20 और 3 23 माइनस दो, 18 और 3 21 माइनस दो, बेटा प्लस 3 और माइनस 2 का कंसेप्ट यहां पे गया है, बहुत अच्छा पैटर्न गया है यहां पे, प्लस 3 माइनस 2, ठीक है बेटा। तो लोशन की बात करते हैं, पहले प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2, 12 और 3 15 माइनस 2 13, प्लस 3 23 माइनस 2 7, प्लस 3 18 माइनस 2 L O M W G R L आंसर। खैर स्पीड कैसे बढ़ाएं बेटा, साथ में रहो स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पीड से कैसे करेंगे आप, उसके लिए एक काम करो, एक नहीं कुछ दो तीन काम करने पड़ेंगे सर। सर कौन कौन से, सबसे पहले अल्फाबेट की नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, अल्फाबेट का अपोजिट वो भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरा, 1 से लेके 10 तक के क्यूब और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर, ये आपको मस्ट, कहने का मतलब मस्ट है, यानी याद करना बहुत जरूरी है, और आप इनको याद करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी कोड भाषा में एक्स्ट्रा नेट को, ये हैच का निशान आ गया बेटा, और टेक्नोलॉजी को इस तरह से लिखा जाता है, तो टॉलरेंस को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। कोई बात नहीं बेटा, फिक्स कोडिंग चेक करो, फिक्स कोडिंग बिल्कुल सही बेटा, सी आंसर बिल्कुल सही है, चेक करो। अभी अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी पेस्ट करो यहां पे, टी टी एरा कितना, 4 देखोगे क्या, अभी तो टी के लिए 4 है, ये भी टी के लिए 4 है, और इस टी के लिए भी कितना है, 4, तो 4 रखो पहले, ओ का नंबर यहां से रखो 5, एल का नंबर 8, 8 है क्या वो एल का, नहीं है क्या, फटाफट से एल का नंबर
यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है बेटा, ये एल यहां भी आठ लिख दिया और यहां भी आठ लिख दिया है, ये आठ नहीं है यहां पे, ठीक है बेटा। ओके, चार पांच आठ, ई का नौ, आर का उठाओ यहां से एक, ए का उठाओ फिर है, एन का तीन, ई का दो, और ई का कितना बेटा नौ, चार पांच आठ नौ, एक छ, तीन दो नौ, ये सी आपका आंसर आ जाएगा। सर कल कैलेंडर की कराना बेटा, जितेंद्र कैलेंडर भी कराएंगे, टेंशन मत लो, अभी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब चल रहे हैं, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले इसको कवर कर रहे हैं बेटा, सारे चैप्टर कवर होंगे, चैप्टर वाइज डेली क्लास लो, कैलेंडर भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वोटर हीटर और टीजर, तो कौन सी संख्या एस को दर्शाती है बेटा, यानी कहने का मतलब फिक्स कोडिंग। नाइस कंटेंट सर, बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कंटेंट में बस एक ही चीज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, आरआरबी एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016, यहां पे लिया गया है क्वेश्चन। अब बेटा एस को यानी फिक्स कोडिंग है, और फिक्स कोडिंग है तो कॉमन सेंस की बात है पोजिशन चेंज होगी, क्योंकि तो देखो यहाँ पे ई आर है, ई आर को 5-2 लिखा है, यहाँ पे 5-4 लिखा है, मतलब आगे पीछे कर दिया, फिक्स कोडिंग लेकिन पोजीशन चेंज, और पोजीशन चेंज है तो अब एस का निकालना है। तो कॉमन सेंस की बात बताओ, टीजर में एस बिल्कुल नया है, ठीक है, टीई ए इनमें से भी मिल जाएंगे, ठीक है, टी आर भी मिल जाएगा, लेकिन एस का जो नंबर है ना, तो यहां मिलेगा ना यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो इसका मतलब जो नया लेटर यहां पर दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा, बाकी सब में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये आठ है, आठ ना तो इसमें है ना इसमें है, तो आपका आंसर कौन सा, सी आठ हो जाएगा। जितेंद्र मीना सी, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा आंसर सी। यहां पे 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, बिल्कुल सही कालूराम, आठ आंसर, आर को 5, एल को 1, एन को 6, टी को 2, यू को 8, एफ को 6, एफ को 3, एस को 4, आई को 9 और जी को 7 लिखा जाता है, तो 4 2 5 9 6 फिक्स कोडिंग, कॉपी पेस्ट करो बेटा, कॉपी पेस्ट, आर को 5, एल को 1, एन को 6, टी को 2, यू को 8, एफ को 3, एस को 4 और आई को 9 और जी को भी है बेटा, जी को 7 यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने बोला 4 2 5 9 6 7, 4 का नंबर S, 2 का नंबर T, 5 का R, 9 पे I, 6 पे N और G, स्ट्रिंग बी आंसर। आंसर क्या आएगा बेटा, B, RRB JE के अंदर पूछा गया है बेटा 30 मई 2019 को। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा, ये भी आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया है बेटा 25 मई को, चेक करो, वेरी गुड बेटा जितेंद्र, स्ट्रिंग आएगा, बिल्कुल सही बेटा। 25 बार देखो, अब रेड 40, 18, 1 और 20 कितना होता है 39, एक बढ़ा दिया क्या बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी करोगे थोड़ा सा, यहां पे चैट 3 8 1 20 कितना होता है 32 होता है क्या बेटा, यहां भी एक बढ़ा दिया तो रिटर्न में भी एक बढ़ाना है। आर ई टी यू आर एन 18 5 20 21, 18 और 14 जल्दी जोड़ेंगे बेटा कितना, 18 और 5 23,
और 20, 43, 64, 18, 82 और 14, 96 प्लस 1, 97. वेरी गुड बेटा, 97 आंसर. वेरी गुड सोनू, वेरी गुड कालूराम, बुद्धाराम, जितेंद्र. वेरी गुड बेटा सुरेश. 25 का क्वेश्चन आंसर कितना आएगा? आंसर 97. तो इसी के साथ आज का हमारा वर्क पूरा होता है. यहां भी हमने आज 25 क्वेश्चन देखे हैं बेटा. देखिए दोस्तों, मैं आपसे अभी भी एक बात कहूंगा, जो भी आपका दोस्त है जो नहीं देख रहा है, उससे उसको शेयर करो और उससे बोलो काम का कंटेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रीजनिंग को आपको दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कसम खा के कह रहा हूं, नहीं पड़ेगी जरूरत. ठीक है, यहां पे मैं अभी भी कह रहा हूं बेटा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कवर कर लोगे तो रीजनिंग को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, कहीं भी दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा. क्लियर है क्या बेटा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं आपको यहां करवा रहा हूं. राधे राधे बेटा, गुड नाइट बेटा, कल मिलते हैं और कल फिर इसी टाइम हम वापस से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे.